दोस्तों ऐश्वर्या राय अब भले ही बच्चन परिवार की बहू हो गई हो, लेकिन कुछ साल पहले वह सलमान खान या विवेक ओबराय के परिवार के साथ जुड़ने वाली थी, पर ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, ऐसा क्यों ना हो सका? ऐश्वर्या और सलमान खान के अफेयर की बात हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान से तंग आकर ऐश्वर्या ने विवेक का हाथ थाम लिया था? फिर ऐसा क्या हुआ कि ऐश विवेक को भी छोड़कर चली गई? होटल के कमरे में बैठकर एक छोटी सी गलती ने दोनों के रिश्ते को खत्म कर दिया। ऐश्वर्या सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले मॉडल राजीव मूलचंदानी की गर्लफ्रेंड थी। दोनों मॉडलिंग के दिनों में करीब आए थे और बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। वहीं फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर ऐश और सलमान की मुलाकात हुई थी और वहीं इनका प्यार परवान चढ़ने लगा था, लेकिन सलमान की एक गलती ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सलमान ने ऐश्वर्या के सामने कबूल कर लिया कि उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ धोखा किया है, उनके होते हुए किसी और लड़की से रिश्ता रखा। बस इतना ही था कि ऐश ने इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर समझा, लेकिन ये इतनी आसानी से कहां खत्म हो सकता था? ऐश से अलग हो चुके सलमान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते थे। ऐश फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त होती थी और सलमान वहां पहुंचकर हंगामा कर देते थे। जैसे तैसे ऐश्वर्या राय सलमान से दूर हो पाई तो उनकी जिंदगी में एंट्री हुई एक्टर विवेक ओबराय की। सलमान से परेशान हो चुकी ऐश को विवेक का साथ अच्छा लगता था। दोनों ने फिल्म क्यों हो गया ना में साथ काम करते वक्त एक दूसरे के लिए प्यार महसूस किया। यहाँ तक कि ऐश के 30वें जन्मदिन पर विवेक ने उन्हें एक साथ 30 गिफ्ट दिए थे। हालांकि ऐश्वर्या ने कभी भी खुलकर नहीं कहा कि वह विवेक के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वह एक फंक्शन में उनके साथ जाती थी जिससे साफ था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ऐसे में विवेक के एक छोटे से कदम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। विवेक चाहते थे कि बुरे वक्त में गुजर रही ऐश के लिए वह हमेशा हाजिर रहे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। विवेक ने एक होटल के कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और खुलासा कर दिया कि उन्हें सलमान की तरफ से जान से मारने की धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस ने किसी का भला करने के बजाय विवेक का ही सब कुछ छीन लिया। जिसके लिए विवेक ने इतना बड़ा कदम उठाया उसने भी उनका साथ छोड़ दिया। ऐश्वर्या राय ने बाद में साफ कर दिया था कि इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है और विवेक से दूरी बना ली। ऐश के साथ साथ विवेक के हाथों से कई फिल्म ऑफर भी निकल गए। सलमान खान एक बहुत बड़े स्टार थे जबकि विवेक ने सिर्फ अपना करियर ही शुरू किया था। अगर विवेक ने सलमान खान का नाम लेकर वह गलती ना की होती तो शायद ऐश आज उनकी होती और उनका करियर भी सही चल रहा होता। तो दोस्तों, विवेक ओबराय के इस नादानी भरे कदम के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।